नमस्कार, दोपहर खबर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि वाराणसी से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर। यहां पर ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे खत्म हो गया है। वजूखाने से मिला यहां पर 12.8 फीट व्यास का शिवलिंग मिलने वाली जगह सील कर दी गई है। कोर्ट ने जारी किया आदेश, मामले में कल कोर्ट में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। तो वाराणसी में वजूखाने से मिला है 12.8 फीट यहां पर बड़ा शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील कर दिया गया है। कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिए हैं, मामले में कल कोर्ट में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार आपको बता दें कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे चल रहा था, अब वो सर्वे खत्म हो गया है। वजूखाने से 12.8 फीट व्यास की यहां पर शिवलिंग मिली है। शिवलिंग मिलने वाली जगह को पूरी तरह से यहां पर सील कर दिया गया है। और साथ ही ये भी अपडेट आपको दे दें कि कल रिपोर्ट सौंपी जाएगी कोर्ट में। तो वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मस्जिद का सर्वे लगातार किया जा रहा था, लगातार सर्वे चल रहा था, सर्वे अब खत्म हो गया है। कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिए हैं, मामले में कल कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद है ये, ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे लगातार यहां पर किया जा रहा था, आज ये सर्वे खत्म हो गया है। ज्ञान व्यापी यहां पर मस्जिद का सर्वे खत्म होने के बाद कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। यहां पर लगभग 12.8 फीट व्यास की एक शिवलिंग मिली है। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिवक्ता कुलभूषण, और जिस तरह से ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे चल रहा था, ये सर्वे अब खत्म हो गया है, शिवलिंग मिली है, यहाँ से जगह को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अदालतें जो चलती हैं, जब मामला अदालत में है तो अदालत कहती है कि साक्ष्य लेकर आओ। अदालत मौखिक या जो है अदालत भावुकता पर नहीं चलती है। तो जो वहां पर सर्वे की टीम गई है और जिस प्रकार से सर्वे में वहां पर जो है खुदाई के दौरान शिवलिंग वहां पर मिला है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि वहां पर निश्चित रूप से मंदिर ही रहा है। तो अब मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के साक्ष्य जहां पर मिल रहे हों तो वो मस्जिद तो कभी हो ही नहीं सकती है। तो एक बात सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, प्रमाण मिलना। सर्वे टीम ने सर्वे किया, वहां पर खुदाई में शिवलिंग मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, लेकिन कल रिपोर्ट सौंपी जाएगी कोर्ट में, उसके बाद ही आगे की स्थिति भी साफ होगी कुलभूषण जी। हाँ देखो, अच्छा ये प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। हाँ। कि जब अदालत ने ही दिशा निर्देश दिए कि वहां पर टीम जाए सर्वे करने के लिए और उन्होंने कमिश्नरेट नियुक्त किए वहां पर, अब जब उन सबको अदालत के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा और उसके बाद निश्चित रूप से जो है अदालत उस पर संज्ञान लेगी। यानी कल का इंतजार अभी करना होगा, कोर्ट में जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके बाद ही आगे की जो तस्वीर है वो इसमें क्लियर हो पाएगी। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वजूखाने से 12.8 फीट व्यास का एक शिवलिंग मिला है, हालांकि इस शिवलिंग के मिलने वाली जगह को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिए हैं, मामले में कल कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी जिसके बाद आगे की तस्वीर यहां साफ होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लगातार ज्ञान व्यापी मस्जिद का जो सर्वे चल रहा था वो सर्वे खत्म हो गया है, कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर ज्ञान व्यापी मस्जिद की है, इस मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था। बता दें कि यहां वजूखाने से 12.8 फीट व्यास का एक शिवलिंग मिला है। शिवलिंग मिलने के बाद कई तरह की अब बातें भी सामने आ रही हैं, हालांकि तमाम यहां पर संगठन भी अब धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ यहां पर सबसे बड़ी बात है कि आसपास की जो जगह है उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कल कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद ही आगे की तस्वीर यहां पर साफ होगी। तो अपने आप में यहां पर ये कहेंगे कि अद्भुत है, अपने आप में कहेंगे कि बड़े सवाल भी अब यहां पर खड़े होंगे और होगा, क्योंकि मस्जिद के अंदर से यहां पर वजू खाने से 12.8 फीट व्यास का एक शिवलिंग मिला है। इस शिवलिंग के मिलने के बाद से ही कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं, सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और वो जो जगह है जिस जगह से शिवलिंग मिली है उस जगह को सील कर दिया गया है। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे जो था वो खत्म हो चुका है, लगातार ये सर्वे किया जा रहा था, लगातार टीम गई थी, सर्वे चल रहा था, आज ये सर्वे खत्म हो गया। सर्वे में यहां पर जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई है, मस्जिद के अंदर से यहां पर शिवलिंग मिली है, बड़ी खबर इस वक्त की, मस्जिद के अंदर से शिवलिंग मिली है।
मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद, जहां पर वजू खाने से 12.8 व्यास की यहां पर शिवलिंग मिली है और शिवलिंग मिलने के बाद कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं